भिन्न भिन्न रूप से उभा हेउछि कोरोना भूताणु डेल्टा परे डेल्टा प्लस चिंता बढ़ाइथिबा बेले एबे पुणी कापा एवं लामडा वेरिएंट सामना को आसलाडी एभरी स्थिति रे संभाव्य तृतीय लहर छनका बढ़िबार लागिछि। कोरोनार संभाव्य तृतीय लहर मुकाबला करबाकु देश प्रस्तुत हेउथिबा बेले भिन्न भिन्न वेरिएंट रे उभा हेलाणी महामारी। निकटरे उत्तर प्रदेश रे दुई जणक ठारे कापा स्ट्रेन बाहरिछि। देवरिया और गोरखपुर दुई जणक ठारे डेल्टा प्लस वेरिएंट बाहरिबा परे सामना को आसी भूताणुर नुआ अवतार कापा स्ट्रेन। देश में दिनक दिन डेल्टा प्लस वेरिएंट केस बढ़ुथिबा बेले महामारी अन्य वेरिएंट नहीं चिंता बढ़िलानी। डेल्टा प्लस को बाद देले चारिटी नुआ वेरिएंट एबे सामना को आसिलानी। डेल्टा वेरिएंटर 14टी म्यूटेशन थिबा बेले सेथिमध्यरु B.1.617.3 गोटिए। सेभली इंग्लैंडर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लामडा वेरिएंटर संधान पाई जहाँ को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी रे रखी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अन्यतम वेरिएंट कापा बा B.1.617.1 मध्य वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट श्रेणी में रही। कापा वेरिएंट जो है वो हमारे पीछे भी इस वेरिएंट की प्रेजेंस थी हमारे देश में। फरवरी मार्च के आसपास ये हमारे कुछ प्रदेश में आए थे ये पर्टिकुलर वायरस का जो वेरिएंट है। लेकिन धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट जो है जो इससे मिलता जुलता है ये B.1.617.1 है। B.1.617.1 है और जो हमारा डेल्टा है वो 0.2 है। तो मिलता जुलता है ये हमारे देश में ये कुछ प्रदेश में आए थे लेकिन धीरे धीरे ये डेल्टा के आने के बाद ये सप्रेस हो गया है पीछे चला गया। भारत रे ही प्रथमे देखा दिथला डेल्टा वेरिएंट जहां कोरोना द्वितीय लहर प्रमुख कारण बोली कहा जाउछि। द्वितीय लहर ही देश में वर्तमान सुधा सबुठ अधिक विपज्जनक सब्यस्त हो चीन युवान रु बाहरी स्ट्रेन विरोध में टीका जमी कम करुला डेल्टा विरोध में ताहा आठ गुणा कम प्रभावशाली जमापड़ी। डेल्टा वेरिएंटर लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार थिला एहा खूब द्रुतगति से संक्रमण करुला। भारत समेत ब्रिटेन और इस्राएल डेल्टा वेरिएंट देखा मिली। डेल्टा बा B.1.617.2 वेरिएंटर म्यूटेशन हो डेल्टा प्लस। द्वितीय लहर बेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा मिलता परे 9टी देश ब्रिटेन पुर्तगाल स्विट्जरलैंड पोलैंड जापान नेपाल चीन एवं रूसिया रे यहाँ बाहरी थिला। एही वेरिएंट रे आक्रांत लोकों ठारे विभिन्न लक्षण देखा मिलता है जेपरी कि सुखिला काश ज्वर क्लांति अनुभव करिबा गला दरज डायरिया मुंड बिंधा छाती जंत्रणा निश्वास प्रश्वास रे कष्ट पेट दरज बांति लागिबा भूक नहबा गंठी जंत्रणा श्रवण शक्ति कमिजिबा एमिति अनेक किछि लक्षण देखा मिले। कापा वेरिएंट डबल म्यूटेशन भूताणु ब्राजिल रे प्रथमे देखा दैथिबा E484Q एवं दक्षिण आफ्रिका रे देखा दैथिबा E484K वेरिएंट सह एहार रहुछि संपर्क। एथि सहित L452R म्यूटेशन मध्ये एथिरे रहुछि जहाँ शरीर रे थिबा प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति को सहजरे प्रतिहत करि दैथाय। कापा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न रे रखिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोनार लामडा वेरिएंट उपरे चलिछि अनुध्यान एहा वर्तमान सुद्धा भारत रे प्रवेश करि नाही किंबा चिन्हट हुए ना विश्व स्वास्थ्य संगठन यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखी प्रथम यह पेरू में देखा दीथिला परे विश्व 29टी देश में यह बाहरी। लैम्डा वेरिएंट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न सॉरी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच हैज ओरिजिनली बीन डिटेक्टेड इन पेरू। इट हैज स्प्रेड टू एंड देयर इट हैज बीन समवट डोमिनेंट in their pandemic. It has spread to Europe. It has been detected in some other countries as well. Now, variant of interest, that means its total significance is still being explored. And as far as we know, this has not entered our country. We have not detected this variant in our country. Our surveillance system, a very effective INSACOG surveillance system, will detect it. Should it happen to come into our country, because when you do sequencing, then all this will be picked up. So we should watch for that, that space in terms of how this or any other variant, for that matter, would appear. As I said, it is a variant of interest. That means its public health significance
is being watched, but it has not been proven for excessive transmissibility or for impact on excess severity or any other public health issues such as issues related to vaccine, etc. Bureau report, News 18 Odia.